हाय एवरीवन गाइस, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर पे ही आप क्लीन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है, फिर जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ वीडियो में दिए हुए थे। देन आपको कॉटन पैड से या वाइप से अपने फेस को क्लीन करना है, या मैंने क्लींजिंग क्रीम बताई है, जो भी आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर लें। फिर हर स्टेप के बाद आपको अपने फेस को क्लीन करना ही है, तो कॉटन पैड, वाइप या पानी से भी आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने फेस पे स्क्रब यूज़ करें। गाइज, मैंने यहाँ पर स्क्रब दिखाए हुए हैं, ये एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स के लिए स्क्रब करना है, फिर अपने फेस को कॉटन पैड से या वाइप से क्लीन कर सकते हैं। गाइज, स्क्रब के बाद आपको स्टीम लेना है। स्टीम के लिए आप बर्तन में पानी गर्म कर लें और एसेंशियल ऑयल इसमें ज़रूर ऐड करें। आप आलमंड ऑयल, टी ट्री ऑयल या गोले का तेल भी डाल सकते हैं। आप देखेंगे आपके स्किन के ब्लैक हेड्स ऊपर आ गए हैं, उसके लिए आप नोज पोर पैड भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रब भी कर सकते हैं। फिर वही अपना फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। देन आपको फेस मास्क लगाना है। आप शीट मास्क भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मास्क आप यूज़ कर सकते हैं वो कर लें। देन आपको टोनर यूज़ करना है। गाइज, मैंने यहाँ कुछ बेस्ट टोनर्स बताए हैं। टोनर आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी से अपने फेस पर अप्लाई करना है। जब टोनर अच्छे से सूख जाए तब आपको अपने फेस पर जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो करने लगी है, क्योंकि क्लीन अप से आपकी स्किन की डर्टी स्किन निकल जाती है और एक्ने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। ये आपको हफ्ते में 2 बार करना है। गाइज, और ऐसे टिप्स जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।